दया शॉपिंग करने जा रही थी, तभी अचानक पीछे से एक चोर आता है और दया को धक्का देकर उसकी पर्स चुरा कर भाग जाता है। दया तुरंत ही चालू पांडे जी को बुलाती है। चालू पांडे जी चोर का पीछा करने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते चोर एक कैफे में घुस जाता है। चालू पांडे जी भी उसके पीछे कैफे में चले जाते हैं। कैफे में जाते ही चालू पांडे जी को दया की पर्स गिरी हुई दिखाई देती है। जब चालू पांडे जी कैफे में आते तब कैफे में उस समय चार लोग थे। दोस्तों इन चारों को ध्यान से देखकर क्या बता सकते हो, इन चारों में से असली चोर कौन हो सकता है? ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों चार नंबर वाले आदमी को ध्यान से देखिए, उसकी कॉफी एकदम गर्म लग रही है, यानी हो सकता है कि वह अभी अभी कैफे में आया है। चार नंबर वाला सिर्फ किताब पढ़ने का नाटक कर रहा है, यानी यहाँ पर जरूर चार नंबर वाला ही चोर है। अगर आपका भी आंसर यही था तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइए।